हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन. चिल्ड्रन, दिस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी बुक एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ड्रेनेज. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट द हिमालयन रिवर्स एंड नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द पेनिनसुलर रिवर्स. सो लेट्स सी. द वॉटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल. दीज रिवर्स मेक डेल्टास एट देयर माउथ्स. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स flowing west of the western ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. जो हमारा peninsular India में water divide का काम है west घाट के द्वारा ही होता है. और बहुत सारी यहाँ पर rivers हैं जो कि जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि ईस्टवर्ड बहती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती हैं और अपने माउथ पर बहुत सारे डेल्टास का निर्माण भी ये करती हैं. नर्मदा और तापी इनमें से ओनली ऐसी लंबी रिवर हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और ये वेस्ट की साइड फ्लो होती हैं, वेस्ट की साइड बहती हैं. दैट मीन्स ओके. Now, let's see the notes. Start writing from here. The peninsular rivers. The major rivers of the peninsula, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, flow eastward to drain into the Bay of Bengal. The Tapi and Narmada are the only rivers which flow west to make estuaries and drain into the Arabian Sea. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively small in size. तो children, peninsular rivers जो हैं वो उनमें main जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं जो कि eastward बहती हैं, east की side से बहती हैं और Bay of Bengal में जाकर के गिरती हैं. वहीं तापी और नर्मदा ऐसी लंबी river हैं जो कि west की side बहती हैं और Arabian Sea में जाकर के गिरती हैं. जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर का वो कंपैरेटिवली जो साइज में है वो स्मॉल है. नाउ द गोदावरी बेसिन. द गोदावरी बिगिंस इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. इट्स लार्ज बेसिन कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. द ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन द गोदावरी इंक्लूड पूना, वर्धा, परिणीता एंड मांजरा एंड वेन गंगा एंड पेन गंगा. बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा. गोदावरी ड्रेन्स इन टू द बे ऑफ बंगाल. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले द गोदावरी के बारे में हम जान लें. तो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से इसका शुरू होती है और ये पेनिनसुलर रिवर्स की सबसे बड़ी रिवर है और यह महाराष्ट्र से होती हुई फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक जाती है. और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियां हैं, पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मांजरा है, वैनगंगा और पेनगंगा है. और इसकी जो प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा और पेनगंगा है, ये काफ़ी बड़ी सहायक नदियां हैं जो कि काफ़ी बड़ी क्षेत्र को कवर करती हैं और इसलिए इन्हें दक्षिण गंगा भी बोला जाता है. गोदावरी जो है वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है. नाउ द महानदी बेसिन. द महानदी 860 किलोमीटर लॉन्ग रिवर राइजेज इन छत्तीसगढ़ टू फ्लो थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल. महानदी रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. तो महानदी जो बेसिन है वह 860 किलोमीटर लंबी रिवर है और यह छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है और उड़ीसा से बहती हुई फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है. महानदी जो है वो और भी कई राज्यों से होकर के बहती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों से होकर के ये गुजरती है. नाउ द कृष्णा बेसिन. द 1400 किलोमीटर लॉन्ग कृष्णा रिवर राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर टू रीच द बे ऑफ बंगाल. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा इंक्लूड भीमा, मुसी, घाट, प्रभा, कोयना एंड तुंगभद्रा. द कृष्णा बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश. तो जो कृष्णा बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के निकलती है. इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर लॉन्ग है.
और यह महाबलेश्वर के पास से निकली है और इसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के यह गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, मुसी, घाट प्रभा, कोयाना एंड तुंगभद्रा। नाउ द नर्मदा बेसिन राइजिंग इन द अमरकंटक हिल्स, नर्मदा फ्लोज टू क्रिएट अ जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्टिंग। अब नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है और यह अपने रास्ते में गॉर्ज का निर्माण करते हुए निकलती है, और जो नर्मदा है यह ज़्यादातर रिफ्ट वैली से बनाती हुई निकलती है और वेस्ट की साइड ये बहती हैं। नाउ द तापी बेसिन ओरिजिनेटिंग इन बैतूल मध्य प्रदेश। तापी फ्लोज थ्रू अ बेसिन दैट कवर्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारत पूजा एंड पेरियार। अब तापी बेसिन जो है वो शुरू हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं बैतूल से और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से होती हुई, जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती हैं। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और साबरमती, माही और भरतपुजा और पेरियार इनकी सहायक नदियां हैं। नाउ कावेरी बेसिन ओरिजिनेटिंग इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। द कावेरी रीचेस द बे ऑफ बंगाल एट कावेरी पत्तनम, शेयरिंग इट्स बेसिन विथ कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। अब कावेरी बेसिन जो है ब्रह्मगिरी रेंज है जो वेस्टर्न घाट की, वहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला से होती हुई गुजरती हैं। नाउ लेक्स, मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल अदर कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत सारे लेक्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, जिनमें परमानेंट पानी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ रेनी सीजन में ही उनमें पानी आता है। सम लेक्स आर रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियल एक्शन एंड आइस शीट्स एंड सम मे हैव फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। अ रिवर मेंडरिंग अक्रॉस अ फ्लूड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इंटू ऑक्सबो लेक्स। Glacial lakes are formed when glaciers dig out a basin which is later filled with snow melt. Some lakes like Wooler Lake is in Jammu and Kashmir result from tectonic activity. Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of the hydro power has also led to the formation of lakes. Lakes help to regulate river water flow, prevent flooding, aid to develop hydro power, moderate climate, maintaining aquatic ecosystem, enhance natural beauty, develop tourism and provide recreation. So children, बहुत सारे lakes हैं जो कि सिर्फ रेनी सीजन में ही उनमें वाटर आता है, लेकिन कुछ जो है वो परमानेंट लेक हैं। और कुछ लेक ऐसे हैं जो ग्लेशियल एक्शन जो होते हैं या आइस शीट्स होती हैं, दैट मीन्स ग्लेशियर का पिघलना या टुकड़े टुकड़े में टूटकर बहना बर्फ़ का पिघलते हुए, तो इस तरह से कुछ जो लेक्स होते हैं इस तरह से फॉर्म होते हैं, कुछ विंड के द्वारा, कुछ रिवर्स के जो एक्शंस होते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं लेक्स के। रिवर्स जो होती हैं जब वो बहती हैं तो फ्लूड प्लेन्स तक बहते बहते वो ऑक्सबो लेक कई बार बना लेते हैं। ऑक्सबो मीन्स होता है कि ऑक्स जो पैर होते हैं उस तरह की डिज़ाइन के वो बन जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो है कुछ ग्लेशियल लेक्स होते हैं जो कि किसी और वजह से वो उखड़ जाते हैं, तो इस वजह से जो स्नो है वो मेल्ट होता जाता है और मेल्ट होने के बाद जो वाटर है वो इन लेक्स में पहुंच जाता है और ये लेक्स तैयार हो जाते हैं। कुछ लेक्स हैं जैसे वूलर लेक्स जम्मू एंड कश्मीर है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लेक्स हैं। लेक्स जो है वो वाटर फ्लो और प्रिवेंट फ्लोडिंग और एड टू डेवलप हाइडल पावर, मॉडरेट क्लाइमेट, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब रिवर्स का भी बहुत कुछ रोल होता है इकोनॉमी में, तो चलिए देखते हैं। रिवर्स आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर, सेटलमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स हैव डेवलप्ड इनटू सिटीज़। रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, ऑल वाइटल फॉर इंडिया एंड एग्रीकल्चरल
इकोनॉमी। अब आपको तो मालूम ही है कि रिवर्स का रोल कैसा है इकोनॉमी में। एक पहली बात तो ये कि रिवर्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सब के सोते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या है, रिवर्स है। और रिवर्स जो हैं वो उनके किनारों पर इसलिए बहुत सारी सभ्यताओं का विकास किया गया ताकि पानी की जो है वो सुविधा बनी रहे। रिवर्स से बहुत सारे यूजेस होते हैं, इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डेवलप करने में। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऐसे एरियाज हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि रिवर्स जो है उनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है या फिर डेवलपमेंट किया जाता है। नाउ रिवर पॉल्यूशन। क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज़ अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड। अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आर एम्पिटाइट इन टू द रिवर, अफेक्टिंग द रिवर्स सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन अवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। अब आप जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से रिवर्स जो है वो पॉल्यूट हो जाती हैं, चाहे डोमेस्टिक रीज़न हो, चाहे म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रीज़न। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने वेस्ट को रिवर में ही जाके मिक्स करते हैं और उसके बाद जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूट हो जाती हैं। इंडस्ट्रीज से निकला हुआ सीवेज है, हॉस्पिटल्स का जो भी वेस्ट है, ये सारा जो है रिवर्स को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है, एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, और जो उसकी सेल्फ क्लेंसिंग प्रॉपर्टी है उसको भी समाप्त कर देता है। जो पॉल्यूशन है इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि रिवर्स साफ रहेंगी तो ही हमारी जो धरती है वो रह पाएगी, उसमें जीवन रह पाएगा। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास भी होते हैं, कई बार नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो कई बार गंगा सफाई आंदोलन, बहुत सारे ऐसे प्रयास कुछ एनजीओस के द्वारा, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र की नदियों को साफ रखने की लिए अवेयर रहना चाहिए, और ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। चिल्ड्रन, हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।